नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राई न्यूज और मैं आपके साथ दीप प्रमोला। भारत यादव। कहाँ से हैं आप? यूपी 14 जी। क्या सर आपका सफर? अभी तो फिलहाल ठीक है, बेस्ट। और रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं नहीं, एकदम ओके, बढ़िया एकदम, फर्स्ट क्लास। तो आप देख सकते हैं ये कि भोले बाबा के जो भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर बोलबम के नारे लगाते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। और भी हमारे साथ भोले बाबा के भक्त हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे किस तरीके से उनको उनका सफर यहाँ पे जारी है और किस प्रकार की उनको यहाँ पे उत्तराखंड में किस प्रकार की यहाँ उन्हें सुविधाएं देखने को मिली और कहाँ उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ भोले बाबा के भक्त और हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनको किस तरह। मुकेश जी, मुकेश जी, इस बार आपका सफर कैसा रहा? एकदम मस्त रहा। ये कौन सी यात्रा है आपकी, इससे पहले भी आपकी? पहली यात्रा है, इनकी पहली यात्रा है हमारे साथ। और भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, हम यही कामना करते हैं। और आपकी जो यात्रा है ये कौन सी वाली यात्रा है? ये मेरी सेकंड है। और भी हैं आप लोग के साथ? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कांवड़ियाँ हैं वो यूपी उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, हरियाणा से, काफ़ी दूर दूर से लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर अपनी श्रद्धा भाव को देखते हुए भोले बाबा के भक्त जो है लगातार, अब तक मैं आपको बता दूं लगभग करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड के अंदर अपनी यात्रा को यहाँ से शुरू करते हुए अपने घंटे की ओर जा रहे हैं। और साथ ही साथ और भी यहाँ पे भोले बाबा के भक्त हैं, उनसे भी आपसे मिलवाना चाहूँगा। सर अनुभव और आनंद बिल्कुल आ रहा है महादेव की कृपा से। महादेव की कृपा जी, जी जी जी। तो सफर में कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, आधा सफर हो चुका है और आधा महादेव ने चाहा तो कल तक हो जाएगा। तो चलिए, कहीं ना कहीं भाई लोग मुजफ्फरनगर से हैं और इनकी तीसरी यात्रा है, ये इनकी पहली पैदल यात्रा है। इससे पहले भी बाइकों पे करके यात्रा कर चुके हैं और भी कई लोग हैं यहाँ पे, और भी कई श्रद्धालु हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भैया, मुजफ्फरनगर से ही है? हाँ जी। आपका पूरा ग्रुप है? पूरे? मेरी पहली है। पहली है आपकी? तो कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बरसात भी, बाबा जी का प्रसाद मिला। चलिए, कहीं ना कहीं धूप दिक्कत परेशानी है उसका सामना करना पड़ता है कांवड़ियों को, लेकिन इस साल भोले बाबा की कृपा से लगातार झमाझम बारिश हो रही है जिससे इनका सफर भी आसान होता नजर आ रहा है। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भैया, मैं लक्सर से हूँ। लक्सर से? ये भाई हमारे लक्सर से लोकल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, भोले की इतनी कृपा, सुबह से झमाझम बारिश, कोई थकावट नहीं, कुछ भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो भोले को परेशानी हो। मेरी पहली यात्रा, लेकिन केदारनाथ बद्रीनाथ इधर से घूम से मैं इधर तो कई बार गज जा चुका हूँ। मेरी पूरा महादेव के लिए पहली यात्रा, और मेरा अनुभव यह कहता है कि जो पहली बार भी आ रहा है उसमें पूरा जोश जोश शोर के साथ चल रहा है। माता पार्वती भोले का नाम लेकर चल रहे, आज उनका 15 तारीख में विवाह होगा और उसमें सब बराती जा रहे हैं, मजे ले रहे। आपके साथ कितने लोग? हमारे साथ 5 लोग हैं। 5 लोग हैं। तो यात्रा में पूरा आनंद आ रहा? पूरा आनंद आ रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हम आपको महादेव की कृपा आप लोगों पे बरसती रहे इसी तरीके से, हम और भी श्रद्धालुओं से आपसे मिलाना चाहेंगे। एक बार जयकारा लगा दें। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। शामली से? हाँ जी सर। आपका सफर बिल्कुल ठीक है, सफर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रास्ते में प्रशासन की व्यवस्थाएं या प्रशासन का सहयोग वो किसी भी तरीके से रास्ते में किसी भी तरीके से नहीं है। प्रशासन बल्कि जितने भी भोले यात्री है इन सबको परेशान नहीं करता है। थोड़ा सा जो पतंजलि के पास में थोड़ी सी व्यवस्था है, लेकिन वो एक नाम मात्र है, जैसे उड़द पर सफेदी एक गांव में जो कहावत है। अदरवाइज अभी तक जो हम रुड़की पहुंच चुके हैं तो वहां से यहां तक किसी भी तरीके की प्रशासन की या कोई इस तरह के जो बाबा है, चाहे वो पतंजलि योग पीठ के हो या कोई से और हो, इस तरह की भी कोई सुविधाएं रास्ते में नहीं मिली किसी को भी। रास्ते में कोई पानी की किसी से कोई सुविधा ना, कोई एक आधी जगह किसी ने, बाकी जो है नहाने की व्यवस्था नहीं है, कोई सोच की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, जो लेडीज पानी बच्चे पहली बार आई है, दूसरी बार आए हैं, पिछली बार भी आए थे। कैसा रहा सफर? सफर का अच्छा, थकान तो महसूस नहीं हो रही है? चलिए सर, पानी पीने के लिए ही नहीं ले, बच्चों को के लिए पैसे खर्चने पड़ रहे सर। पानी नहीं मिला बच्चों को, जहाँ भी बोतल रखी हुई है बोतल लो पानी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल रहा था। कहीं दिक्कत परेशानियाँ बहुत ज्यादा, बिल्कुल दिक्कत। और जैसे हल्दीराम के 10 रुपए की चीज होती है उसको 20 रुपए बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तो भाई ये बजट में नहीं आ रहा खर्चने, इस तरह की दिक्कत है। डबल रेट कर रखा है उन्होंने योगी सर, इस बारे में भी बताना चाहिए उनको
कि भाई जो दुकानें लगा रखी हैं रास्ते में हर जगह डबल रेट कर रखे हैं, ये जिसमें 5 की 10 रुपए पानी की बोतल कितनी मिली? पानी की बोतल 20 रुपए की मिल रही है जी। चाय वगैरह? चाय 20 रुपए की मिली है, 10 रुपए की मिली है, कहीं 15 की मिली है। आपके आगे जैसे आप यूपी के अंदर प्रवेश करेंगे यहाँ से, तो वहाँ किस तरीके की क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरीके की सुविधाएं? सर यूपी में तो सर योगी सरकार अच्छा काम करते हैं, पिछली बार भी अच्छे किया था, आपकी बार भी अच्छे करेंगे होगा शायद, होप करेंगे हम भगवान बोले बाबा के। लेकिन इवन जितना उत्तराखंड में प्रॉब्लम है उतना यूपी में नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं उत्तराखंड के अंदर कावड़ी को बड़ी असुविधाओं का सामना। मैं दीप रमोला भक्ति भाव की खबरों से लेकर जन समस्याओं से लेकर लगातार आपके बीच में आपको मिलवाता रहूंगा। राय न्यूज़ पर के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।